हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई शैल टीच यू सम इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लेसन ए गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस. विलियम सी डगलस वॉज ए ग्रेट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमरीका. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड एन्जॉइंग नेचुरल ब्यूटी. He visited India in 1950. This lesson is the recollection of various valuable experiences of the writer. In your board exams, a question is asked to write the explanation with reference to the context of the given passage. Total 8 marks are fixed for writing the explanation with reference to the context of the given passage. So it is very important to write the explanation of the given passage to get good and meritorious marks. Today in this video, I shall teach you how to write the explanation of the given passage. Now you can see a passage on your screen. We shall write the explanation of this passage, and this is the explanation of this passage. The first point of this explanation is reference. Reference means sandarbh. These lines have been taken, ye panktiyan li gayi hain, from the lesson A Girl with a Basket, part A Girl with a Basket se, written by William C. Douglas. William C. Douglas dwara likhit. ये पंक्तियाँ विलियम सी डगलस द्वारा लिखित पार्ट ए गर्ल विद ए बास्केट से ली गई हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग. हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है अबाउट द डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयों के बारे में, फेस्ड बाय द रेफ्यूजीज, शरणार्थियों द्वारा उठाई गई, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के समय पर, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच. यहाँ लेखक भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के समय पर शरणार्थियों द्वारा उठाई गई परेशानियों के बारे में वर्णन करता है. नाउ एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या. इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है, दैट लैक्स ऑफ रेफ्यूजीज, कि लाखों शरणार्थी केम आए टू इंडिया, भारत में, फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के समय में. इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि बंटवारे के समय पर पाकिस्तान से भारत में लाखों शरणार्थी आए. दे वर वेरी पुअर पीपल, वे बहुत गरीब लोग थे. एंड दे बिकेम पुअरर, और वे और भी ज़्यादा गरीब हो गए. वैन दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की. जर्नी मीन्स यात्रा. टू इंडिया, भारत के लिए. ऑन फुट, पैदल. और वे और भी ज़्यादा गरीब हो गए जब उन्होंने भारत के लिए पैदल ही अपनी यात्रा शुरू की. दे कुड कैरी, वे ले जा सकते थे, ए लिटिल फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड फ्यू अदर थिंग्स, तथा कुछ दूसरी चीज़ें. वे केवल थोड़ा सा भोजन और कुछ दूसरी चीज़ें ले जा सकते थे. देयर जर्नी वॉज वेरी लॉन्ग, उनकी यात्रा बहुत लंबी थी. सून देयर फूड, जल्दी ही उनका भोजन, वॉज कंज्यूम्ड, उपभोग कर लिया गया. जल्दी ही उनके भोजन का उपभोग कर लिया गया. आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे बिकेम वेरी वीक, वे बहुत कमज़ोर हो गए. ड्यू टू लैक, कमी के कारण, ऑफ फूड, भोजन की. कुछ दिनों के बाद वे भोजन की कमी के कारण बहुत कमज़ोर हो गए. दे वर हंगरी, वे भूखे थे. बट दे हैड नो फूड, लेकिन वे कोई भी भोजन नहीं रखते थे. वे बहुत भूखे थे लेकिन उनके पास कोई भी भोजन नहीं था. सो इसलिए, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण,
एंड वीकनेस और कमजोरी के कारण मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत फेल गिर गए बाय द वे साइड रास्ते की तरफ एंड डाइड और मर गए। इसलिए भूख तथा कमजोरी के कारण उनमें से बहुत से रास्ते की एक तरफ गिर गए और मर गए। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पैसेज ऑन योर स्क्रीन्स एंड इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। द फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस। इसका रेफरेंस भी वही रहेगा जो पहले एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस था। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग। हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है दैट अमंग रेफ्यूजी चिल्ड्रन, की शरणार्थी बच्चों के बीच देयर वॉज ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। यहाँ लेखक वर्णन करता है कि शरणार्थी बच्चों के बीच एक छोटी लड़की थी। शी इम्प्रेस द राइटर मोस्ट, उसने लेखक को बहुत प्रभावित किया। एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है दैट ही सा ए लिटिल ब्यूटिफुल गर्ल, कि उसने एक छोटी सुंदर लड़की देखी ऑफ 9 वर्ष की अमंग अदर रेफ्यूजी चिल्ड्रन, दूसरे शरणार्थी बच्चों के बीच। इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कि उसने 9 वर्ष की एक छोटी सुंदर लड़की दूसरे शरणार्थी बच्चों के बीच देखी। शी वॉज वेरी एक्टिव सेलर, वह बहुत ही सक्रिय विक्रेता थी। एक्टिव मीन सक्रिय या चुस्त, वह बहुत ही चुस्त फुर्त या सक्रिय विक्रेता थी। शी हैड ए ब्यूटिफुल बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी विद हैंडल, हैंडल के साथ, हत्ते के साथ, उसके पास एक हत्ते वाली सुंदर टोकरी थी। शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ, वे 1.5 रुपया चाहती थी और 30 सेंट्स या 30 सेंट फॉर हर बास्केट, अपनी टोकरी के लिए, वह अपनी टोकरी के लिए 1.5 रुपया या 30 सेंट चाहती थी। शी रिक्वेस्टेड द राइटर, उसने लेखक से प्रार्थना की टू बाई, खरीदने के लिए हर बास्केट, उसकी टोकरी, उसने लेखक से अपनी टोकरी खरीदने की प्रार्थना की। शी सीम्ड, वह लगती थी टू बी वेरी नीडी, बहुत ही ज़रूरतमंद, वह बहुत ही ज़रूरतमंद लगती थी। हर कंडीशन वॉज वेरी पिटिएबल, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। पिटिएबल का मतलब दयनीय, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। द राइटर सा टीयर्स इन हर आईज, लेखक ने उसकी आंखों में आंसू देखे। हर मैनर ऑफ रिक्वेस्टिंग, उसका प्रार्थना करने का ढंग वाज वेरी पिटिएबल, बहुत ही दयनीय था। उसका प्रार्थना करने का ढंग बहुत ही दयनीय था। इट वाज इम्पॉसिबल टू रेफ्यूज, इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था टू रेफ्यूज, मना करना, हर रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को, उसकी प्रार्थना को मना करना असंभव था। हर वॉइस वॉज वेरी हर्ट टचिंग, हर वॉइस, उसकी आवाज़ वॉज थी वेरी हर्ट टचिंग, बहुत ही हृदय को छूने वाली, उसकी आवाज़ बहुत ही हृदय को छूने वाली थी। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट पैसेज ऑन योर स्क्रीन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज एंड इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। द फर्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस। इसका रेफरेंस भी वही रहेगा जो पहले एक्सप्लेनेशन का था। कॉन्टेक्स्ट प्रसंग। हेयर द राइटर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है द गुड क्वालिटीज़, अच्छे गुणों का, ऑफ इंडियंस, भारतीयों के, यहाँ लेखक भारतीयों के अच्छे गुणों का वर्णन करता है। ही वॉज मच इम्प्रेस्ड, वह बहुत अधिक प्रभावित हो गया था बाई दी सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना से, ऑफ द इंडियंस, भारतीयों की,
वह भारतीयों की आत्मसम्मान की भावना से बहुत अधिक प्रभावित था। एक्सप्लेनेशन व्याख्या इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट ऑल द इंडियंस, कि सारे भारतीय वेदर रिच और पुअर, चाहे अमीर हो या गरीब, हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की एक भावना रखते हैं। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि सभी भारतीय, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आत्मसम्मान की एक भावना रखते हैं। दे नो, वे जानते हैं हाउ टू बिहेव, कि कैसे व्यवहार किया जाता है, लाइक गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों के समान। वे जानते हैं कि अच्छे नागरिकों के समान कैसे व्यवहार किया जाता है। दे हैव ग्रेट लव, वे महान प्रेम रखते हैं फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, वे स्वतंत्रता के लिए महान प्रेम रखते हैं। दे आर ऑनेस्ट, वे ईमानदार होते हैं, सिंसियर, नेक होते हैं, खरे होते हैं, एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती होते हैं। वे ईमानदार, नेक तथा मेहनती होते हैं। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, हुम द राइटर मेट, जिससे लेखक मिला था, वॉज बॉर्न, पैदा हुई थी, इन द पुअर फैमिली, गरीब परिवार में। छोटी लड़की जिससे लेखक मिला था, गरीब परिवार में पैदा हुई थी। शी वॉज अनएजुकेटेड, वे अशिक्षित थी। शी हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, वह भाषा का कोई ज्ञान नहीं रखती थी। एंड मैनर्स, और शिष्टता का, वह भाषा और शिष्टता का कोई ज्ञान नहीं रखती थी। बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, चैरिटी, दान, लेकिन उसने दान स्वीकार नहीं किया। शी हैड ए ग्रेसफुल कंडक्ट, वह एक शिष्ट आचरण रखती थी। शी शोड द राइटर, उसने लेखक को दर्शाया दैट इंडियंस हैव डीप फीलिंग, कि भारतीय गहरी भावना रखते हैं, फॉर गुड एंड रेस्पेक्टेबल थिंग्स, अच्छी और सम्मानित चीज़ों के प्रति। उसने लेखक को दर्शाया कि भारतीय अच्छी और सम्मानित चीज़ों के प्रति गहरी भावना रखते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशंस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई फील दैट दिस विल हेल्प यू इन योर लर्निंग। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शैल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, बाय।